रेडी मित्रों, नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव भाटिया जी हैं। मेरा निवेदन है माननीय गौरव जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय गौरव जी। आभार संजय भयुक जी। आज ये प्रेस वार्ता एक बहुत अहम बिंदु पे है। जैसा सभी न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक युवा कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका शव फंदे से लटका हुआ मिलता है और उसका कसूर केवल इतना है कि वो एक विपक्षी पार्टी का संविधान में आस्था रखने वाला कार्यकर्ता है, नागरिक है। पश्चिम बंगाल में जो अराजकता का माहौल है, जो डर का माहौल है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गृहमंत्री भी है और ऐसा लगता है कि वो वहां की जनता के लिए मन में कोई आदर भाव नहीं रखती। और अगर आप विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर हैं तो आपको सजाए मौत दी जाती है। दो मई कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में गई, एक सिलसिला चालू होता है। जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, इनको घेरो, हमला करो, हत्या करो, महिलाओं के साथ बलात्कार करो और परिवारजन इंसाफ की गुहार लगाते हैं और ममता बनर्जी जी जो मुख्यमंत्री हैं, जिनको ये सुनिश्चित करना है कि इंसाफ मिले, वो आरोपियों को संरक्षण देती हैं। और ये दुख की बात इसलिए है, जो तथ्य सामने आए हैं कि हमारे भाई युवा कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया, इनको धमकियां चुनाव के बाद आ रही थी और ये टीएमसी के गुंडे ही देते थे, क्यों नहीं सुरक्षा का इंतजाम किया गया, क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई। ये बड़े दुख की बात है और आज एक कड़ा संदेश इस मंच से जाना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात स्पष्ट कर दें, ये जो भय और अराजकता का माहौल आप बनाने का प्रयास कर रही हैं, ये जो रक्त रंजित राजनीति आप करवा रही हैं, इसका अंत कोई करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज शोकलिप्त परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हर कार्यकर्ता खड़ा है और इतना जरूर कहेंगे कि ममता बनर्जी जो गुरूर में जी रही हैं, अगर जनता सत्ता देना जानती है तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जनता के साथ मिलकर आपको उखाड़ के फेंकना भी जानती है। और यह कहना भी गलत नहीं होगा
ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है कि गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी पश्चिम बंगाल दौरे पर थे। हमारा भाई अर्जुन जो एक कर्मठ युवा नेता था 27 साल का, उसकी एक जिम्मेदारी थी कि वो एक बाइक रैली का नेतृत्व करे और स्वागत करे। तो प्रयोग यह किया जाता है कि ये संदेश दे रहे हैं, अगर टीएमसी का विरोध किया जो भ्रष्टाचार सांप्रदायिक राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, इसका विरोध किया तो तुम्हारे हिस्से में सजाए मौत आती है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, ये टीएमसी का एक प्रकोष्ठ बन के कार्य करती है। जल्दी से पोस्टमार्टम कराओ, छेड़छाड़ उसमें करो, जो सबूत हो उसको नष्ट किया जाए। ये आखिर कब तक चलेगा? और ममता बनर्जी जी, आप मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल हैं, आप गृह मंत्री भी हैं, आप अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगी? ठीक है, हमारा भाई अर्जुन आपके लिए एक विपक्षी दल का नेता था, लेकिन वो एक भारतीय नागरिक था, वो पश्चिम बंगाल में था। आपकी जिम्मेदारी थी कि उसको सुरक्षा मिले। और जनता इनको सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इनका विरोध करके इनका सूपड़ा साफ करेगी। हमारी प्रतिबद्धता है कि परिवार को इंसाफ मिले। जो आरोपी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे सड़े, लेकिन इतिहास गवाह है 22 मार्च जब चुनाव घोषित हुए पश्चिम बंगाल के, उसके बाद से 181 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई ममता बनर्जी को, कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। और ये मामले इतने गंभीर थे कि इसमें 64 हत्या के मामले थे और 52 बलात्कार के मामले थे। और ये आदेश का जो सार था वो मैं आपके समक्ष रख दूं। पश्चिम बंगाल की पुलिस वर्दी पहन के ममता बनर्जी के इशारों पर कार्य कर रही थी, गुंडों को बचा रही थी, जो अपराधी थे उनको बचा रही थी। इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए न्यायालय ने पाया कि यह न्याय संगत होगा कि सीबीआई इन मामलों की जांच करे। इट इज सेड दैट एनार्की, लॉलेसनेस एंड वायलेंस आर बिगेस्ट एनिमीज ऑफ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। But it seems that anarchy, lawlessness and violence are the best friends of Mamata Banerjee. हम इस मंच से ये उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी अपनी चुप्पी तोड़ेंगी, और उनके बस का नहीं है कि वो शोकलिप्त परिवार को न्याय दिलवा सके। इसलिए एक निष्पक्ष जांच हो सीबीआई के द्वारा, और यह भी गुहार लगाते हैं कि उच्च न्यायालय
और सर्वोच्च न्यायालय ये जो राजनीतिक हिंसा और हत्याएं हो रही हैं इसका संज्ञान लेके शिवमोटो सुनिश्चित करेगा कि इन परिवारों को इंसाफ मिले। इसी क्रम में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमने देखा है राजनीतिक हत्या हो रही है, आज ये एक सवाल उठ रहा है भारतीय राजनीति में भी, जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे कानून का राज है, वहां पे नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं और अपराधी कानून से डरते हैं। लेकिन अभी हैदराबाद में भी हमने देखा किस तरह से बिल्लीपुरम नागराजू एक युवा, उसको चाकू घोंप कर मार दिया गया। फिर सवाल आएगा विपक्षी राज्य वही तुष्टीकरण की राजनीति, नागराजू का कसूर क्या था? उसका कसूर केवल इतना था कि वो एक हिंदू युवा था, उसको एक युवती से प्यार हुआ, दोनों ने आम सहमति से विवाह किया, लेकिन ये जो तुष्टीकरण करने वाला ब्रिगेड है इसको मंजूर नहीं था। और बहुत दुख के साथ बड़ी जिम्मेदारी से आज हम ये बात आपके समक्ष रखते हैं, जितने विपक्ष द्वारा शासित राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो चाहे हम यहां देख रहे हैं तेलंगाना में, पंजाब में हमने देखा किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है फिर से वर्दी का, यह दर्शाता है कि एक इंसान की जान की कीमत कितनी है इनकी नजरों में, यह इससे तय होगा कि उस व्यक्ति का धर्म क्या है। एक इंसान की जान की कीमत इनकी आंखों में इससे तय होती है कि उस व्यक्ति का धर्म क्या है। और इतना दोगलापन, वो चिट्ठी लिखो गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, पंथ निरपेक्षता के ठेकेदार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सोनिया गांधी, हैदराबाद के सांसद ओवैसी जी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारी विपक्षी पार्टियां आज मौन हैं, क्योंकि ये एक अपराध है तो क्या हुआ, हमें हमारा वोट बैंक चाहिए। और इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं, निंदनीय है कि पुलिस अभी विवेचना पूरी नहीं हुई, चार्जशीट आपने फाइल नहीं करी और कहती है ये सांप्रदायिक मामला नहीं है, यहां पे धर्म का कोई लेना देना नहीं, नफरत की कोई बात नहीं, इट इज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। सो फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वेरी रिस्पॉन्सिबली वी रेज दिस क्वेश्चन, व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीट एंड इट इज अपारेंट ऑन द फेस of all records that are out that this crime has been committed because of communal hatred, who gave the instructions to the police to make this premature statement? aur ye insaan ki jaan hai, wo kisi bhi dharm ka ho, kisi bhi jaat ka ho, लेकिन ये मुद्दा इसलिए
बड़ा व्यापक है, क्योंकि ये लोग बात करते थे दलितों की, ये लोग बात करते थे एकता की। तो आज कोई विपक्षी दल ये नहीं बताएगा कि हमारा भाई नागराजू जिसकी हत्या हो गई वो एक दलित था, आप लोगों ने चुप्पी क्यों साध रखी है। ये बड़े सवाल हैं और ये एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किसी प्रदेश में जाते हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जैसा आपको ज्ञात है, वो भी प्रदेश दौरे पे थे, तब ये हुआ। तो ये स्पष्ट है कि ये डराने की राजनीति, भयभीत करने की राजनीति विपक्ष करता है, क्योंकि उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो विचारधाराओं से, नेतृत्व क्षमता से भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे सके। और ये बड़े सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक दी स्यूडो सेक्युलर्स इंडल्ज इन द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट ऑफ सेलेक्टिविज्म, चयनात्मक राजनीति, लाशों के धर्म ढूंढो उसके बाद तय करो कि आपका स्टैंड क्या है। इस राजनीति का भारतीय जनता पार्टी विरोध भी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में इस तरह की कम्युनल अपीजमेंट पॉलिटिक्स की कोई जगह ना। धन्यवाद। You are talking about Article 355? Yes. So, let me say this with some responsibility. As a spokesperson of the party, it is our duty to highlight these issues, the vices that are there in the ideology of the opposition party. But keeping with the spirit of the constitution, we all know we have a very effective, learned home minister, Shri Amit Shah ji. He will definitely look into all the aspects and then act as per the constitution. Thank you. Thank you for raising that issue. And you very rightly said that citizens in these opposition ruled states fear for their life. They approach the government and the police that adequate security cover may be provided to them. And it seems very clearly that because of the religious preferences of the leaders who are ruling the state, they treat the Hindus as a second-rate citizen, forgetting and violating the oath that they have taken under the constitution. But I must at this juncture thank the media for proactively and strongly raising these issues. And together we will ensure that the families of these victims get justice
their honor is restored and the politics of our country changes. देखिए इस पे भारतीय जनता पार्टी ने एक विस्तार में प्रेस वार्ता करी है. इस बिंदु को मैं कुछ कहना उचित नहीं समझूंगा. केवल एक बात कहूंगा, न्यायालय जब न्याय करता है ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है. और जो दुरुपयोग किया जा रहा है पुलिस का, वो भी सबके समक्ष जरूर आ जाएगा. धन्यवाद.